गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप अब अपनी जीएसटी रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपका बैंक अकाउंट, जो आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट है या जिसमें भी आप अपना बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं और आपने जीएसटी पोर्टल में दे रखा है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो सील हो सकता है, डिपार्टमेंट उसे अटैच कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बातें लिखी गई हैं, सर्कुलर इशू हुआ है उसके अंदर ये चीजें लिखी गई हैं। बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि सारी चीजों के बारे में आपको बारीकी से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सेकंड का टाइम लगेगा, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसे क्लिक कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली मिलती रहे। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ पे ये बातें लिखी गई हैं कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक सर्कुलर ओपन किया है, इसका पॉइंट 6 एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे बैंक अटैचमेंट की बात कहाँ से निकल के आ रही है। इन केस द डिफॉल्टर फर्निसेस अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर इन ASMT 13, द सेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन इन द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 62। हाउएवर इफ द सेड रिटर्न्स रिमेन अनफर्निश्ड विद इन द स्टैच्युटरी पीरियड ऑफ 30 डेज From the issuance of order in ASMT 13, the proper officer may initiate proceedings under section 78 and recovery under section 79 of the CGST Act. कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी GSTR 3B की रिटर्न नहीं फाइल करते हैं ASMT 13 का नोटिस या ऑर्डर आने के बाद 30 दिन के भीतर भीतर, तो सेक्शन 79 और सेक्शन 78 का प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। सेक्शन 79 का जो प्रोसीडिंग है उसके अंदर क्या बातें लिखी गई हैं, रिकवरी का मोड बताया गया है, वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। रिकवरी किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आपको देखनी है। इसका जो पॉइंट 5 है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप समझेंगे अबव जनरल गाइडलाइंस मे बी फॉलोड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। ऊपर जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं इसके ऊपर हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। इन जनरल गाइडलाइंस के अलावा भी कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई हैं, वो क्या हैं? इन डिजर्विंग केसेस, जहां पर गवर्नमेंट को लगता है, मतलब जीएसटी ऑफिसर को जहां ऐसा प्रतीत हो रहा है, उसे ऐसा लगता है कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, जिस केस को वो डील कर रहा है उसके जो फैक्ट्स हैं उसको देखते हुए द कमिश्नर में रिजॉर्ट टू द प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू अंडर सेक्शन 83 ऑफ द CGST एक्ट बिफोर द इश्यूएंस ऑफ फॉर्म GST ASMT 13। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 83 के अंदर प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है आपकी प्रॉपर्टी का। क्या है सेक्शन 83 प्रोविजनल अटैचमेंट का, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा केस है जो कि कमिश्नर को या जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि आपका जो पर्टिकुलर केस है वो जीएसटी रेवेन्यू के लिए काफी ज्यादा नुकसान दे सकता है, तो ASMT 13 का ऑर्डर इश्यू हो उससे पहले प्रोविजनली अटैच कर दिया जाएगा आपका बैंक अकाउंट या आपकी प्रॉपर्टीज, ताकि आप ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ना कर पाएं। ASMT 13 जो इश्यू होता है उसमें बेसिकली आपके ऊपर असेस की जाती है लायबिलिटी कि आप एज अ नॉन फाइलर हैं, क्योंकि आपने रिटर्न नहीं फाइल करी है, इसीलिए डिपार्टमेंट आपका असेसमेंट करके देता है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द जीएसटी ऑफिसर्स। इसके लिए वो GSTR 1 अगर आपने करी है तो उसका डेटा ले सकता है, GSTR 2A का डेटा उठा सकता है, ई-वे बिल का डेटा उठा करके आपका जो है असेसमेंट किया जाता है। लेकिन अब यहां पर देखने वाली बात है कि सेक्शन 83 किस चीज की बात करता है और उसमें रिकवरी कब हो सकती है। यह है हमारे पास CGST एक्ट का सेक्शन 83 जो बात करता है प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस। यहां बताया गया वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 62 फॉर्म ASMT 13, वो जिस प्रोसीडिंग्स में होती हैं, जिस सेक्शन में प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो होती हैं सेक्शन 62 में। तो 83 स्टार्ट इसी से होता है, वेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 62। अगर आपका कोई भी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया है सेक्शन 62 के अंदर और वो पेंडिंग है और सेक्शन 63, 64, 67 और 73, 74, अभी इनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी,
सेक्शन 62 की। क्यों सेक्शन 62 की सर? क्योंकि सर्कुलर में ये बताया गया है सेक्शन 62 के अंदर एएसएमटी 13 का जो नॉन फाइलर्स असेसमेंट ऑर्डर है वो इशू किया जाएगा, इसीलिए अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 62 की ही बात कर रहे हैं। द कमिश्नर इज ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इट इज नेसेसरी सो टू डू ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग अटैच प्रोविजनली एनी प्रॉपर्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, कमिश्नर को अगर लगता है कि आपका जो केस है वो ऐसा है कि जीएसटी रेवेन्यू को काफी नुकसान पहुंच सकता है तो वो ऑर्डर इश्यू कर सकता है इन राइटिंग। वो ऑर्डर जो होगा वो इन राइटिंग होना चाहिए और उस ऑर्डर में ये लिखा हो सकता है कि आपसे रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको प्रोविजनली अटैच कर दी जाए, मतलब उसे सील कर दिया जाएगा। दैट मींस उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस अब आप नहीं कर सकते जब तक वो रिलीज नहीं हो जाता। इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। प्रॉपर्टी के अंदर जो बैंक अकाउंट है उसे भी सील किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है प्रोविजनली अंडर सेक्शन 83, जो कि यहाँ पर सर्कुलर में भी बता दिया गया है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या मतलब हुआ कि बिजनेस का जो भी एसेट्स है उसको भी सीज किया जा सकता है, स्टॉक को भी सीज किया जा सकता है, बिल्डिंग्स को भी सीज किया जा सकता है, उसे भी अटैच किया जा सकता है कि रिकवरी जो है वहां से हो सके। एवरी सच प्रोविजनल अटैचमेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 1। जिस दिन ये ऑर्डर पास होगा प्रोविजनली अटैचमेंट का, उसके 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो अटैचमेंट किया गया है वो रिलीज हो जाता है अंटिल की वो फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाए। ये एक चीज हुआ सेक्शन 83 के अंदर जो प्रोविजनल अटैचमेंट की बात करता है कि अगर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आप जो हैं वो काफी हद तक जीएसटी रेवेन्यू का नुकसान करते हैं इस वजह से, लेकिन अगर आप एएसएमटी 13 का नोटिस आपको मिला लेकिन आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया 30 दिन के अंदर, तो रिकवरी ऑफ टैक्सेस जो कि सेक्शन 79 के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है वो की जा सकती हैं। उससे पहले सेक्शन 78 के अंदर जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स का इनिशिएशन है वो किया जाएगा। उसका क्या मतलब है? एनी अमाउंट पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट शैल बी पेड बाय सच पर्सन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months From the date of service of such order, failing which the recovery proceedings shall be initiated. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर्कुलर में यही चीजें लिखी गई हैं। The proper officer may initiate proceedings under section 78, ASMT 13 और DRC 07 में जो amount दिया गया है वो अगर आप पे नहीं करते हैं valid return file करते हुए तो section 78 लगा करके recovery proceeding चालू कर दी जाएगी। Provided that where the proper officer considers is expedient in the interest of the revenue, he may for reasons to be recorded in writing require the said taxable person to make such payment within such period less than a period of 3 months as may be specified by him. तो अब recovery के लिए क्या-क्या चीजें की जा सकती हैं? तो कैसे recovery कर सकते हैं? सबसे पहला यहाँ बताया गया है the proper officer may deduct or may require any other specified officer to deduct the amount so payable from any money owing to such person which may be under the control of the proper officer or such other specified officer. अगर आपको किसी डीलर से पेमेंट लेना है तो ऑफिसर उस डीलर से आपका जो पेमेंट है वो ले सकता है, वो रिकवर कर सकता है और उसको ये बोला जा सकता है कि आप ये पेमेंट उस बंदे को ना करके आप हमें कीजिए क्योंकि इसका जीएसटी का जो है वो ड्यूज है और वो पेमेंट जो है आपको रिकवरी के अंदर जो है देना पड़ सकता है। The proper officer may recover or may require any officer to recover the amount so payable by detaining and selling any goods belonging to such person which are under the control of the proper officer. अगर आपसे related कोई goods जो कि proper officer के control में है वो उसको बेच करके भी आपसे recovery कर सकता है आपके बकाए tax amount की। The proper officer may buy a notice in writing require any other person from whom money is due or may become due to such person. आपको जिस जिस लोगों से पैसा मिलना है उन सारे लोगों को प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग लेटर लिख सकता है कि जो भी पैसे आप डीलर को देने वाले हैं जो डिफॉल्टर है वो सारे के सारे अमाउंट आप जीएसटी टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करेंगे, उस पर्सन को नहीं देना है जो भी अमाउंट है, आप हमें एज अ रिकवरी पेमेंट करें। और हु होल्ड्स और मे सब्सिक्वेंटली होल्ड मनी
फॉर और एन अकाउंट ऑफ सच पर्सन। तो आपसे रिलेटेड जो भी लोग हैं जिनके पास आपका पैसा रखा हुआ है डिपार्टमेंट डायरेक्टली, उनसे वो रिकवरी जो है वो कर सकता है। तो इसी तरीके से काफी सारी चीजें दी गई हैं रिकवरी के अंदर, जो कि आपसे रिलेटेड पेमेंट जहां से आपको मिलना है वहां से गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आपका पैसा रिकवर करके अपना जीएसटी ड्यूज जो है वो खत्म कर सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी GSTR 3B की रिटर्न्स जो हैं जल्द से जल्द फाइल करें, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं अब आने वाले दिनों में होने वाली हैं। और अगर आप GSTR 3B फाइल करने में किसी भी तरीके का परेशानी का सामना करते हैं तो आप उसके लिए क्लियर टैक्स का टूल यूज कर सकते हैं, जिसका साइनअप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसमें जाकर के साइनअप कर सकते हैं और अपनी 3B जो है बहुत आसान तरीके से फाइल कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी रिटर्न नहीं भरने से बैंक अकाउंट कैसे सील होगा और क्या क्या एक्शन जो है गवर्नमेंट अब ले सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।